Hello student, myself Dr. Siddhika Bhanu. Today I will discuss about biostatistics. आज हम biostatistics के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है biostatistics और इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, biostatistics को हम कैसे डील करेंगे. तो biostatistics, statistics जो है वो एक मीन सांख्यिकी जो है वो कहते हैं सफ़ेद झूठ है, मीन सब अनुमान पे है, मीन्स हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा. तो बायोस्टैटिस को सफ़ेद झूठ भी कहते हैं. तो स्टैटिस का यूज़ हम किस में कर रहे हैं, बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्टैटिस. तो बहुत सारी स्टैटिस की जो एप्लीकेशन है वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, बायोलॉजी में हम उनका यूज़ करेंगे. तो बायोस्टैटिस क्या हो गई, बायोस्टैटिस हो गई इट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स यूज इन बायोलॉजिकल साइंस. मीन्स बेसिकली वो एप्लीकेशन है जिनका यूज हम किस में करते हैं, बायोलॉजी साइंस में करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं. अब कहाँ कहाँ बायोलॉजिकल साइंस में हम कहाँ कहाँ उनका यूज करेंगे. जैसे आप कलेक्शन करने के लिए कोई नमूना आपको कलेक्शन करना है, कोई डाटा कलेक्शन करना है, तो कलेक्शन के लिए, क्लासिफिकेशन में, टेबुलेशन में और प्रेजेंटेशन में, मीन्स उस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया, नमूना किया, उसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर प्रेजेंट कर सकते हैं, बार डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं या पाई चार्ट के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स प्रेजेंटेशन के लिए हम करते हैं. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे रिलेशनशिप में भी, मीन्स किसी की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड कम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी. तो मीन्स आपस में वेरिएशन, क्या भिन्नता है, क्या रिलेशन है, ये भी हम इसमें स्टडी करते हैं. और किसमें स्टडी करें, जैसे फॉरकास्टिंग ऑफ डाटा, मीन्स कोई भी डेटा है उसकी पहले से अनुमान हम लगा लेते हैं, तो फॉरकास्टिंग ऑफ डाटा या प्रीडिटरमाइंड एम्स में भी अचीव में. सबसे पहले जो यूज किया था स्टैटिस को, सांख्यिकी को, किसने यूज किया था, एल्डोल्फ क्वार्टेल. एल्डोल्फ क्वार्टेल ने 1796 से 1874 में इन्होंने सांख्यिकी का यूज बायो स्टैटिस में किया था. और ये क्या थे, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे. ये एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने बायोलॉजी में, मेडिसिन में और सोशियोलॉजी में सांख्यिकी बायोस्टैटिस का यूज किया था. फ्रांसिस गार्टन सभी भी जानते हैं, इनके प्रयोग के बारे में पढ़ा भी है. तो फ्रांसिस गार्टन जो थे, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोस्टैटिस्ट. तो फ्रांसिस गार्टन जो थे, इन्हें फादर ऑफ बायोस्टैटिस्ट और यूजेनिक्स का फादर कहा जाता है. इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उनमें से कार्ल पियर्सन जो है वो 1857 से 1936 तक इन्होंने अपना वर्क किया. और ये क्या थे, एप्लाइड बायोस्टैटिशियन इन नेचुरल सेलेक्शन. उन्होंने नेचुरल सेलेक्शन और अप्लाइड बायोस्टैटिशियन थे ये, और नेचुरल सेलेक्शन पे इनका वर्क था, उसमें इन्होंने बायोस्टैटिस यानी सांख्यिकी का यूज किया था. वॉर वेल्डन ने 1857 से 1906 में वर्क काम किया और इन्होंने बायोस्टैटिस को क्या बताया, बायोमेट्रिक. मीन्स इन्होंने जो टर्म, बायोमेट्रिक टर्म जो उन्होंने पॉइंट किया, वो किसने किया था, आपका वॉर वेल्डन ने किया था. बायोस्टैटिस को क्या बताया कि ये बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक मीन्स मेजरमेंट, मीन्स बायोलॉजिकल मेजरमेंट. लेटर रोनाल्ड एंड फिशर, लेटर रोनाल्ड एंड फिशर जो थे, उन्होंने 1890 से 1962 तक अपना वर्क किया. और भी अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोस्टैटिस्ट और सांख्यिकी का यूज किस में किया, बायोलॉजिकल साइंस में किया. अब हम बायोस्टैटिस में कुछ टर्म्स यूज होता है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या वो टर्म्स हैं, ठीक है. तो पहला जो
टर्म्स, यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, इसे हम डिफाइन कर लेते हैं। तो डाटा क्या होता है? डाटा जो है किसी नमूने का, या जो हम सर्वे करते हैं वहाँ से, जो सर्वे करके जो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं, दो बार तीन बार हमने किसी चीज़ को देखा और हमने ऑब्जर्व किया, तो उस जो हमने ऑब्जर्व करके नोट किया, वो नोट जो हमने किया वो क्या हो गया? मेरा डाटा हो गया। तो डाटा क्या हो गया? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकली, मीन्स हमने देखा और देख के जो मैंने नोट किया। फॉर एग्जाम्पल, हम सर्वे करने गए, वहाँ देखा कि इतनी चिड़िया है, इतने पेड़ हैं, इतने आपके जो इंसेक्ट हैं, तो ये सब हमने डिफरेंट डिफरेंट नोट न्यूमेरिकल फॉर्म में नोट कर लिया। तो ये क्या हो गया? डाटा हो गया। तो डाटा क्या हो गया? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म, जिसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन आप जानते हैं, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन क्या है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज होती है उनके ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम, एक घंटे में, एक स्क्वायर फीट में स्पीसीज, मान लीजिए गौरैया है, गौरैया कितनी गौरैया हैं, तो ये क्या हो गया? आपकी गौरैया की पॉपुलेशन हो गई। तो पॉपुलेशन क्या हो गया? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहते हैं जंतु को, जंतु हो या प्लांट हो, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज, ठीक है, किसी भी स्पीसीज को लेंगे, ऑक्यूपाइंग इन डेफिनेट एरिया इन स्पेसिफिक टाइम, मीन्स निश्चित एरिया में उस प्लांट की या उस जंतु की जो स्पीसीज है वो किसी एक डेफिनेट टाइम में, डेफिनेट एरिया में, कितने स्क्वायर फिट है में कितनी संख्या पाई जा रही है, वो क्या कहलाती है? आपका पॉपुलेशन कहलाती है। सर्वे किसे कहते हैं? सर्वे जब हम कहीं जाते हैं ऑब्जर्वेशन करने, परीक्षण करने, तो हम देखते हैं वहाँ पे कि कितने पेड़ हैं, कितने इंसेक्ट हैं, कितने कौवा हैं, कितने आपकी गौरैया हैं, कितने तोता हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स। तो हम वहाँ की सभी चीज़ों का जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है। तो क्या हो गया? सर्वे में हम क्या देखते हैं? इन सर्वे ऑब्जर्वेशन आर मेड, मीन्स हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन यानी परीक्षण करते हैं इन एलिमेंट्री यूनिट, ठीक है, एज दे आर विदाउट इंटरफेरेंस। हम उन एलिमेंट्री यूनिट का या उन सभी नेचुरल चीज़ों का जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है। सर्वे को और भी क्या, इसकी डिफिनेशन और भी हम कैसे ले सकते हैं? सर्वे इज ए स्टडी होल पर्पज इज टू एसेस कंडीशन एज दे एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, मीन्स नेचुरल में जो जो कंडीशन हम नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या नेचर में जो जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है। सैंपल किसे कहते हैं? अब वहाँ पे हमने सर्वे किया, सर्वे करके हमने चिड़ियों का संख्या नोट कर ली, पेड़ों की संख्या नोट कर ली, पेड़ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, आम के हैं, पीपल के हैं, नीम के हैं, तो हमने अलग अलग आम कितने हैं, नीम कितने हैं, पीपल कितने हैं नोट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? उनके सैंपल कहलाते हैं। तो सैंपल क्या हो गया? इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी भी इंडिविजुअल का छोटा सा हम नमूना लेते हैं, सैंपल मीन्स होता है नमूना। तो हम किसी भी इंडिविजुअल का हम छोटा सा ग्रुप कलेक्ट कर लेते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन से उसे क्या कहलाता है? आपका सैंपल कहलाता है। तो सैंपल की डिफिनेशन क्या हो गई? इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन टू नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या हो गया? मीन्स सॉरी, सैंपल क्या हो गया? मीन्स किसी पॉपुलेशन से
उनके छोटे से नमूने को, उनकी उस स्पीसीज को हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल जो होता है वो क्या है, कैरेक्टर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मीन्स नाप सकते हैं। अब वो कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कोई भी गुण, जैसे हाइट है, वेट है, ये सब क्या हो गए आपके कैरेक्टर हो गए। तो वेरिएबल क्या हो गया, दोज कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इन सम यूनिट इज नोन एज वेरिएबल। मीन्स वो कैरेक्टर जिसे हम मेजर कर लें, मीन्स नाप सकते हैं, और किसी यूनिट में, जैसे आपके सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, इसमें हम मीटर में, ये सब हम नोट कर सकें, तो वो कैरेक्टर क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या, हाइट इन सेंटीमीटर, तो हाइट को हमने किस में मेजर कर लिया, किस में नोट कर लिया, सेंटीमीटर में। वेट, वेट क्या है आपका, कैरेक्टर है, तो वेट को हमने किस में मेजर किया, मीन्स किस में इसको नापा, किलोग्राम में। तो ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल।